शानदार अखिल भारतीय नमस्ते दोस्तों। तो एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ आप सबके लिए, और इस वक्त मैं जबलपुर में हूँ। जबलपुर के बारे में बताएंगे, मैं यहाँ क्यों आया हूँ ये भी बताएंगे, और क्या खास बात है इस शहर में ये भी बताएंगे। अभी मैं अपनी होटल के बाहर खड़ा हूँ, होटल सिद्धार्थ, और यहाँ पर दिव्यांग कला मेला चल रहा है 17 तारीख से 27 तारीख को उसका समापन है, और आज अखिल भारतीय दिव्यांग कवि सम्मेलन है जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। तो चलिए ऐसे ही मज़ेदार जानकारियाँ आपको बताते रहेंगे। तो आइए दोस्तों, अब सीधा चलते हैं महारानी लक्ष्मीबाई खेल मैदान, और वहाँ पर 17 से 27 अक्टूबर 2024 तक आयोजित किया जा रहा है 21वां दिव्य कला मेला। और आज उस दिव्य कला मेले के 9वें दिन आप और हम लुत्फ उठाएंगे अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का। तो चलिए आइए मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद अकबर भाई। आँखों में नहीं दिल में मेरा नूर छुपा है, राजी हूं उसी में जो मेरे रब की रजा है। राजी हूं उसी में जो मेरे रब की रजा है। ये गम नहीं आईने को सब देख रहे हैं। ये गम नहीं आईने को सब देख रहे हैं। अरे मैं खुश हूं के आईना मुझे देख रहा है। मैं खुश हूं के आईना मुझे देख रहा है। राजेश कार जी आ जाइए। चल रहा हूँ अपनी किस्मत आजमाने के लिए, नफरतों पर प्यार के दीपक जलाने के लिए। नफरतों पर प्यार के दीपक जलाने के लिए। प्रार्थना इतनी है मुझको, गौर से सुन लीजिए। प्रार्थना इतनी है मुझको, गौर से सुन लीजिए। मैं यहाँ आया तुम्हें कविता सुनाने के लिए। मैं यहाँ आया तुम्हें कविता सुनाने के लिए। शुभी सक्सेना जी को मैं आवाज दे रहा हूँ। शुभी जी, कि मेरी आँखों में तेरी झलक रह गई। मेरी आँखों में तेरी झलक रह गई। तुझसे मिलने की दिल में कसक रह गई। अच्छा, चूड़ियाँ तो बहुत हैं कलाई में, पर चूड़ियाँ तो बहुत हैं कलाई में, पर बस तेरे नाम ही की खनक। माइक किसी ने डिस्टर्ब कर दिया क्या? जोरदार तालियां एक बार मैम के लिए बजा दीजिए भाई। क्या बात है, तालियों की आवाज कम कैसे हो गई यार? भाई हमने तो यही कहा था ना, मैडम को भले ही दिख रहे हैं आप सब, हमको तो तालियां ही सुनाई देनी चाहिए। चलिए बहुत खूब, बहुत ही शानदार पंक्तियां, ये हो जाता है कभी कभी। अब ब्राह्मण आदमी हो, थोड़ी देर पहले मैम से अनुमति मांगी थी हमने, पता नहीं मुझे यहाँ पर इस बारे में पिछले 10 दिनों में स्टॉल लगी या नहीं लगी, चर्चा हुई या नहीं हुई, लेकिन श्रोताओं एक बार जोरदार तालियां बजाएं। नेत्रदान पर जो प्रियेश के कुछ मुक्तक हैं, मैं चाहूंगा कि वो जरूर आप सब यहाँ पर प्रियेश के मुंह से सुने। जी प्रियेश, बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित नेत्रदान अपने आप में बड़ा धर्म है, और मैं ज्यादा भूमिका ना बांधते हुए जी, प्लीज प्लीज तुरंत। कह नेत्र प्रभु की श्रेष्ठ कृति सुनिएगा, और इसे सृजना का सम्मान करो। है नेत्र प्रभु की श्रेष्ठ कृति, इस रचना का सम्मान करो। जीवन पर्यंत
अनंत जगत देखो मरणोपरांत दृगदान करो। जीवन पर्यंत जगत देखो मरणोपरांत दृगदान करो। बहुत खूब। कैसा हो कि अगर मैं ये घोषणा करूं कि एमपी में है पीएम, क्या आपको यकीन होगा? नहीं होगा तो करिए यकीन, क्योंकि आवाज दे रहा हूं मिस्टर अभय शर्मा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आगे आगे एक तो मैं, जो लोग भी ये कार्यक्रम डिजिटल माध्यमों से देख रहे हैं, ये कार्यक्रम लगातार पिछले 8 दिनों से आप तक जिस फोरम के माध्यम से पहुंच रहा है, ऐसे दिल्ली से आई हुई विभाग की टीम को बहुत बहुत बधाई। मैं नारंग साहब को बुला रहा हूं, प्रोफेसर साहब आदरणीय वेद प्रकाश नारंग सर। पग तले अंधे रा रहने दो, आंखों में भरा उजाला है, अब समय उपवन के पंखों पर आकाश उतरने वाला है। राम की बहुत बात हुई तो अब हरि भी हैं, राम भी हैं, आ जाइए छतरपुर से हरि राम जी। के हरि राम और रानु बुंदेली हमाओ नाओ, बुंदेलखंड से है तो बुंदेलखंड की तरफ से भक्त हो। रानु बुंदेली जी जी। के हरि राम और रानु बुंदेली हमाओ नाओ, ओ मलारा पे लोक बधा गाओ से पधारे हैं। अच्छा। ओ जिला है छतरपुर राज्य अपनो मध्य प्रदेश है, ओ करहो पसंद हम आपके सहारे हैं। कावे को प्यार करो तो पहले विचार करियो, कैसे हम कह रहे भैया प्यार में हम हारे हैं। ओ एक तो हम जन्म से अंधे दो आखन से, और दूजे अंधी मोहब्बत के भी मारे। नितेश जैन को बुलाने का आदेश हुआ है तो नितेश जैन आ जाए। और देखिए संदीप भाई हमारे मध्य प्रदेश की भूमि पर आपका हार्दिक स्वागत है आपसे हमारा। धन्यवाद भाई साहब, आपने तो किया कम से कम। हाँ तो मैं ये कहता हूँ सभी दिव्यांगों का दर्द गाता हूँ मैं 4 पंक्तियों में कि लगा माँ बाप का जीवन मेरा जीवन बनाने में, लगा माँ बाप का जीवन मेरा जीवन बनाने में, और मेरे उपचार की खातिर वो भटके हैं जमाने में। क्या बात। और मेरी आंखों की ज्योति को बचा जब वो नहीं पाए जी। वर्षों उनने गवाए हैं अपने आंसू बहाने में, वर्षों उनने गवाए हैं। लगभग सभी की कहानी है जी। और संदीप त्रिवेदी जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं संदीप रजक बोल रहा हूँ, आयुक्त विसर्जन। सर बहुत खुश नसीब आपका, हमने स्वागत इसलिए नहीं कर पाए और ना हम करना चाह रहे थे, हमको आप सुनी तो बाहर से आया ऐसा लग भी नहीं रहा ना भाई हमें तो महसूस ही नहीं होने दिया आपने। सच्चे आयोजक हैं, ये सच्चे हृदय की बात बता रहा हूँ जी जी जी। ये एक पल भी नहीं लगा कि आप बाहर से आओ, मगर आपका स्वागत हमारे सागर से आया हमारे जैन साहब ने किया। सर लेकिन अब मैं आयोजक बहुत स्मार्ट होते हैं मैं औपचारिक स्वागत कर देता हूँ, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत हमारी मजाक की बात थी, लेकिन वास्तव में आप जिस कला से आप ये संचालन कर रहे हैं और ये राष्ट्रीय लेवल पर ये लाइव हो रहा है और सभी लोग जो श्रोतागण हैं मंत्रमुग्ध होके सुन रहे हैं और आपका बीच बीच में जो पुट दे रहे हैं वो भी जोरदार है। एक बार जोरदार तालियां हमारे संदीप त्रिवेदी जी जो राजस्थान से आए हैं हमारे। मेरा काम तो सर चल ही रहा था क्योंकि मैं आपका नाम राशि हूँ मेरा काम भी उसी हिसाब चल रहा है, करते हो तुम कन्हैया सब नाम हमारा हो रहा है, हमारा हो रहा है तो कई बार कॉमन नाम होने के भी बड़े फायदे हैं। तो वर्षा जी, वर्षा सराव की मैम जो केबीसी विनर भी रह चुकी है, मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ। एक मुस्कुराता सा चेहरा बहुत अपना सा लगता है पीयूष भाई, एक मुस्कुराता सा चेहरा बहुत अपना सा लगता है ना, तो आओ दे उनको मुस्कानें जिनकी गमगीन है आंखें, एक फकत मुस्कान को
जो इधर उधर झांके, एक मासूम सी हंसी कुछ और करे ना करे, पर यूं तो हो कि उसकी उम्मीद फिर जी उठे। मुस्कान का जादू है, इतना तो चल सकता है ना, एक मुस्कुराता सा चेहरा बहुत अपना सा। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। आदरणीय संदीप त्रिवेदी जी, 3 घंटे से खड़े रहने का जो फायदा है वो अब दिख रहा है, और कि स्वयं जैन साहब बुलाने आए हैं, इसका मतलब ये है कि सुने बिना तो आप लोग जा नहीं पाएंगे। ये क्या हुआ, पटाखे कैसे चलने लग गए हमारे आते ही? अभी मैडम के सामने कोई गाड़ी का हॉर्न बजा रहा था, पटाखे चलने लग गए, इरादा क्या है? आंख में आंसू है पर रो नहीं सकता, आंख में आंसू है पर रो नहीं सकता, रात गहरी है पर सो नहीं सकता, रात गहरी है, क्या कुछ है हमारे पास उसको याद कीजिएगा, कि रात गहरी है पर सो नहीं सकता, खुदा ने तो पहले ही बहुत कुछ छीन लिया है, खुदा ने तो पहले ही बहुत कुछ छीन लिया है मुझसे, मगर जो कुछ मेरे पास है उसे खो नहीं सकता। ये मस्ती, ये ठहाके, ये अपनापन, यही तो हम साथ लेकर के जाएंगे। तो दोस्तों, हमने आपको बताया था कि इस वक्त हम जबलपुर में हैं, कल एक शानदार अखिल भारतीय कवि सम्मेलन की भी झलकियां आपने ली हैं, और अब आज शनिवार 26 अक्टूबर 2024 को हमारा काफिला बढ़ चला है जबलपुर की कुछ शानदार लोकेशंस की तरफ, और इस वक्त सबसे पहले हम जा रहे हैं माँ त्रिपुर सुंदरी के दरबार में। लेकिन खास बात ये नहीं है कि हम घूमने निकल गए हैं, खास बात ये है कि मेरे साथ बहुत ही खास लोग मौजूद हैं। तो चलिए हेलो करवाते हैं आप सबका एक बार। कपूर जी हेलो कीजिए। हेलो रिकॉर्डिंग क्लब, नमस्कार, शिव शंकर कपूर की ओर से सभी को सादर प्रणाम स्वीकार हो। शिव बनखेड़े। हेलो साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, और संस्कार धानी से शिव कुमार बनखेड़े का अभिवादन स्वीकार करें। इनके साथ में इनकी श्रीमती जी भी बैठी हुई हैं बिल्कुल शांत, और इधर सामने शिव कपूर जी की एक मेहमान मैडम जो हम सबसे भी परिचित हो चुकी है, प्रतिभा मैडम, जो हमारे बीच में बनारस, कहाँ से, बनारस से आए ना, बनारस से हमारे बीच में आई हैं मोदी जी के इलाके से। तो प्रतिभा मैडम आपका भी स्वागत है। धन्यवाद सर। प्रतिभा मैडम इस वक्त हमारे ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हैं, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी भावना धन्यवाद मैं व्यक्त करना चाहूँगा, आज बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे साथ है, आदरणीय हमारे बड़े भाई संदीप त्रिवेदी जी, जो कि इस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में अपनी शिरकत करने के लिए अजमेर से सिर्फ हमारे एक साधारण निवेदन पे उपस्थित हुए, और इन्होंने जिस तरह से कल कार्यक्रम का संचालन किया उसकी यहाँ की आम जनता, आम लोग मुझे बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। साथियों नमस्कार, पुनः मैं शिव कुमार बनखेड़े आपका इस संस्कार धानी में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। आज ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश के राष्ट्रीय स्तर के कवि और हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री संदीप त्रिवेदी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। साथियों, कपूर सर ने बता ही दिया है आपको कि इनका मंच संचालन कैसा रहा, और इनकी जो कविताएँ थी उसने भी लोगों को सराबोर किया, सभी लोग इनकी कविताओं से बड़े प्रभावित थे, और बड़ी बात ये थी कि एक दृष्टि बाधित होके इन्होंने जो मंच संचालन, मंच की जो समन्वय किया है वो अपने आप में काबिले तारीफ है, और इसकी भूरी भूरी प्रशंसा हमारे जबलपुर के नगरवासियों द्वारा की गई। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे संदीप त्रिवेदी जी को, और उनकी कला को भी नमन करता हूँ, और आज ये हमारा सौभाग्य कि ऐसी शख्सियत हमारे साथ है, और हमारे साथ हमारे आदरणीय कपूर सर जी के साथ में हम आज जो जबलपुर भ्रमण कर रहे हैं, तो इसमें साथियों मैं जबलपुर के बारे में बताऊं, जबलपुर का बड़ा ही प्राचीन इतिहास रहा है, यहाँ वीरांगना रानी दुर्गावती जी, आपने सबने पढ़ा होगा सुना होगा, यहाँ की शासिका थी, गोंडवाना राज्य की शासिका थी, और इन्होंने डट करके मुकाबला किया था, और आज जो है हम माँ वीरांगना दुर्गावती जो है उनके म्यूजियम को देखेंगे, रानी उसके बाद हम रानी दुर्गावती जो किला है उसको हम देखने पाएंगे, त्रिपुर सुंदरी माता के दर्शन करेंगे,
नौका विहार में आप लोगों को बड़ा मजा आएगा। वहाँ पर आपको लाइव दिखाया जाएगा कि किस तरीके से जो पत्थरों की जो कलाकृति वहाँ पर बनी हुई है उससे आप लोगों को रूबरू कराया जाएगा। तो एक बार फिर से मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हम खुश नसीब है कि हमारे बहाने आप लोग मिल रहे हो। ये हमारा सौभाग्य कि आप हमारे साथ हो। तो साथियों अब हम पंचवटी में हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आपको कल 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 पानी की आवाज़ आ रही होगी, नज़ारा दिख रहा होगा, नावें दिख रही होगी और यहाँ पर हम लोग आए हैं नौका विहार के लिए। तो चलिए अब नाव में बैठ करके बात करेंगे। यहाँ पे आई थी हेमा, हमने उसको देखा। मैं हूँ रमेश गाइड, आपको बताने जा रहा हूँ नर्मदा की साइड। सभी को नौकरी पक्की है। नमस्कार। आप सभी को अवगत हो कि हम इस समय नौका विहार कर रहे हैं और ये नर्मदा नदी, माँ नर्मदा की कृपा से जबलपुर जो कि संस्कार दानी है, यहाँ पर हमारे आदरणीय संदीप त्रिवेदी जी अपने अनुभव साझा करेंगे आप सभी के साथ। तो दोस्तों इस वक्त पंचवटी के अंदर, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, और यहाँ ये जगह फेमस है नौका विहार के लिए और अभी हमारे गाइड साहब भी कुछ बताएंगे यहाँ के बारे में। लेकिन हम लोग आज स्पेशल क्योंकि जबलपुर में आए हुए हैं अजमेर से, और शिव भाई दोनों शिव शिव के नेतृत्व में आज इस आनंद को ले रहे हैं नौका विहार को, और हमारा जो फोटो वीडियो का काम है वो भी आनंद ही कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत ही ज़ोरदार धीरे 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 ये नाव आप देख सकते हैं चल रही है, आगे बढ़ रही है। नर्मदा मैया की जय हो। और बोट में बैठने वाले सर और मैडम भैया की सबकी जय हो। यार सर जी अगर हुई है एंट्री, आगे से करेंगे कमेंट्री, थोड़ा इंतजार का मजा की। वाह वाह वाह, आएगा मार्बल का साई, आनंद दिया वीडियो का। अभी बैठी है एकदम टाई, वो देखते चलना चारों साई। हां हां, हमारी बुझ चुकी है लाइट। अभी नहीं हुई है नाइट। ये नहीं है फ्लाइट। इस साइड देखा लाइट ब्लू, पलट के देखा दूसरी साइड आ गया मार्बल पे। लेकिन भाई ये काली मिट्टी काली लगने से काला है, तोड़ेंगे तो भाई हर बोलते काला है तो क्या हुआ वाला। ये आप लोग के लिए छोटा सा सही है, आप लोग भी अच्छा रोजी रोटी पक्की है। और क्या, इसी साइड करने का पुराना शूटिंग, प्राण जाए पर वचन न जाए। अच्छा, यही पे आए थे सुनील दत्त प्रेमनाथ, साथ में आई थी रेखा, सुनील दत्त ने प्रेमनाथ को उठा उठा के देखा, मारते मारते घटा प्रेमनाथ के तोड़ दिया हटा, जब से भारी बड़ा हो गया घंटा। इतना भूल भुलैया कन्फ्यूजन पॉइंट, इस साइड जाएगी अपनी बोट, लेफ्ट चलना की राइट, दूसरा नावे गाइड, सही बताने वाले को बम्पर ट्राई। करो डिसाइड लेफ्ट। हाँ तो ले लो बम्पर ट्राई। सही बोला है भाई, बिना देखे बोला है, इसलिए मिलना चाहिए। सर बोलते हैं जो सही बताएगा उनको बड़े प्यार से ही साइड में उतारा जाएगा। नहीं चाहिए प्री प्राइस। बढ़िया दोस्तों, आप जीके में पढ़ते हैं धुआधार जलप्रपात और इस वक्त मेरे पीछे वही चल रहा है धुआधार जलप्रपात। हम नर्मदा नदी के तट पर हैं, माँ नर्मदा की जय। और हमारे दोनों साथी, दोनों शिव शिव, दोनों भोले शंकर पानी में एंजॉय कर रहे हैं। हम तो आपको पता है पानी से थोड़ा दूर ही रहते हैं, वैसे भी आग और पानी से थोड़ा बच के ही रहना चाहिए, तो हम तो बचे हुए हैं, दूर ही हैं, लेकिन बहुत ही शानदार नज़ारा और आनंद वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। तो आसपास में काफ़ी टूरिस्ट भी आए हुए हैं और आवाज़ मतलब ऐसा लग रहा है समुद्र की आवाज़ भी फेल है इस आवाज़ के आगे, तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। A few moments later, तो दोस्तों इस वक्त मैं मध्य प्रदेश के सबसे पहले सरकारी अंध विद्यालय के अंदर मौजूद हूँ, क्योंकि आप जानते ही हम सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं और यही हमारा उद्देश्य भी रहता है। तो जबलपुर शासकीय अंध विद्यालय में हैं अभी हम, और ये रहे हमारे यहाँ के प्रधानाचार्य जी श्रीमान सुरेश यादव सर। तो
तो सर थोड़ा सा बताएं स्कूल के बारे में। सर ये शासकीय दृष्टि बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। ये सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग मध्य प्रदेश शासन के द्वारा संचालित है। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन इन्हें कोई कम कविता पढ़ने के लिए बताइए। सुनो तो जो बोझ ढोता है ना, वही बोझ की कीमत समझता है। सही है, बहुत सही बात है। मोहम्मद शहजाद है। हाँ भाई शहजाद, क्या हाल है, कौन सी क्लास में हो? 11th सर, कल सुन रहे थे। अच्छा सुन रहे थे क्या? ओहो, शमीम शमीम तो हमारे पास ही थे, शहजाद आप थे। मतलब जानते हो, पहले से जानते हो क्या? आपको सुना है, रिकॉर्डिंग क्लब का नाम सुना है कभी? जी जी। अच्छा कैसा है सर, ऐसी मिलने की इच्छा व्यक्त की है? अच्छा लगता है, सब ठीक है। ओशो शिला इसको बोलते हैं, एक विशाल का चट्टान है जहाँ पर हम आए हैं। यहाँ पर बैठ कर के आचार्य रजनीश ध्यान किया करते थे और मेरे साथ दोनों शिव यानी कपूर और बनखेड़े, और हम लोग यहाँ पर आए हैं। काफ़ी पुराने स्टाइल में ये बना हुआ है पूरा, इसमें नवीनता नहीं है कुछ भी, लेकिन ठीक है। आचार्य रजनीश को सुनने वाले या उनके विचारों को किसी रूप में समझने वाले शायद ऐसे स्थान को एक आस्था का केंद्र समझ सकते हैं। तो दोस्तों अब जबलपुर को अलविदा कहने का समय आ गया है और हमारी दो दिन की यात्रा बहुत ही शानदार रही। ये मेरे दाहिनी तरफ सोनाली मैम हैं, जो कि शिव शंकर कपूर जी की श्रीमती जी हैं, और अभी इस शानदार दरबार होटल में हम सब ने डिनर लिया है। और वाकई में जैसा दरबार है, डिनर भी बिल्कुल शाही था, लाजवाब डिनर। और शिव बनखेड़े जिनको बहुत अनुभव हो गया है यहाँ पर डिनर लेने का, उनकी बदौलत इतना शानदार डिनर हम सब ने इंजॉय किया है। उधर प्रतिभा मैडम हैं जो बनारस से, और उधर शिव भाई, और इधर आनंद, और मैं तो फटूँ। बस अब हम हमारी इस जबलपुर की यात्रा को समाप्त करते हैं, हमारे इन दोस्तों को अलविदा कहते हैं, और मुझे तो बाय बाय और आते रहिएगा। शिव भाई क्या कहेंगे? मैं अलविदा कहने की इच्छा नहीं जाहिर करूँगा क्योंकि संदीप भाई और आनंद जी के साथ बड़ा मज़ा आया, और हमारे शिव भाई ने जो आज मिलकर के हम लोगों ने प्लान किया था उसको सक्सेस किया, और आज हमारे साथ हमारी श्रीमती जी भी है। उनकी बहुत दिनों से इच्छा थी कि संदीप त्रिवेदी जी है कौन ही है, और उनकी इच्छा भी पूरी हुई। और न केवल उनने यहाँ कवि सम्मेलन में कवि संचालक के रूप में सुना, बल्कि आज योग सहयोग हुआ कि हम एक मंदिर जा रहे थे तो उनके विद्यालय में भी जा कर के उनके प्रिंसिपल HM और जो टीचर्स थे सबको संदीप जी की एक कविता सुनाई, बड़ी पसंद की गई। और हमारे साथ हमारे एक और मैडम है प्रतिभा मैडम, वो भी स्पेशल एजुकेशन की एक्सपर्ट है। तो सब लोग मिलकर के हम लोग यही चाहते हैं कि संदीप जी आगे बढ़े, रिकॉर्डिंग क्लब आगे बढ़े, हम सब आगे बढ़े। धन्यवाद। तो बिल्कुल दोस्तों मैं बताना चाह रहा था, सोनाली मैम के स्कूल हम गए थे तो वहाँ पर लोगों को कैसा लगा है तो सोनाली मैम ही बताएंगे अब। मतलब एक आश्चर्य की बात रही लोगों को, लोगों ने ऐसा देखा नहीं था कि टोटली ब्लाइंड लोग ऐसे होते हैं। सर बुरा मत मानना, है ना, ना? क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा लोगों के अंदर अवेयरनेस, ये बोलना चाहिए कि समझते नहीं है लोगों को कि इन्हें, यहाँ पे लोगों ने ये सोचा है कि सिर्फ साइटेड लोग ही होते हैं, ये लोग कुछ नहीं कर सकते। तो आज संदीप सर को देख के ना सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, और संदीप सर ने जब वो कविता पढ़ी है वहाँ पे तो सब लोग ताजुब करके रह गए कि हाँ सोनाली आज तुम्हारी रिस्पेक्ट और बढ़ गई है। बहुत अच्छे, क्या बात है। हाँ बनखेड़े साहब, अब आप भी विदा दे ही दीजिए हमें। देखिए विदा तो ठीक है ना, विदाई तो नहीं देंगे हम, लेकिन हाँ बस यही कहेंगे कि आपको जबलपुर आशा करते कि अच्छा लगा होगा, और आप जो है
फिर आइएगा जबलपुर, तो जबलपुर में हम आपका पुनः स्वागत करने के लिए तैयार रहेंगे। और बाकी तो आपके साथ जो हमने 24 घंटे बिताए वो बड़े ही लाजवाब थे और बड़े ही यादगार पल आपके साथ रहे। और विशेषकर कल आपका जो कवि सम्मेलन था, आपका जो संचालन, पहली बार हमने देखा कि आपने संचालन भी किया और बहुत अच्छे उम्दा तरीके से आपने संचालन किया, तो काबिले तारीफ है। और बाकी आज जब हम लोग घूमे हैं तो तब तो संदीप भाई हमेशा जो है एकदम हंसी मजाक के मूड में रहे और हम सबको बहुत मज़ा आया। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द जो है संदीप भाई यहाँ पर आएंगे और हमारा रिकॉर्डिंग क्लब जो है इसी तरह से आगे बढ़ता रहे संदीप भाई के मार्गदर्शन में। और कभी हमारे सभी जो रिकॉर्डिंग क्लब परिवार हैं उनको जबलपुर का जबलपुर आने के लिए मैं कमिटमेंट तो नहीं दूंगा, लेकिन हाँ संदीप भाई से कहूँगा कि हम प्रयास करें कि जबलपुर में भी एक बार हमारा पूरा आरसी परिवार जो है वो यहाँ पर आए, तो हमें बड़ी खुशी होगी। बहुत अच्छा सिटी है दोस्तों, वाकई में हमारी भी इच्छा है कि एक बार कार्यक्रम हम ज़रूर करें। और मैं अंत में हमारे इन सभी साथियों को, सोनाली मैम को, कपूर जी को, बनखेड़े जी को, इनकी श्रीमती जी को, माया जी को और प्रतिभा मैम को, सबको अजमेर इनवाइट करता हूँ। जय हिंद दोस्तों।